नमस्कार, मैं उप्रिया। आज है 3 सितंबर। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,40,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,969 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की कुल संख्या 1,40,234 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 176, अरवल में 22, औरंगाबाद में 42, बांका में 39, बेगूसराय में 44, भागलपुर में 55, भोजपुर में 54, बक्सर में 26, दरभंगा में 31, पूर्वी चंपारण में 83, गया में 49, गोपालगंज में 47, जमुई में 34, जहानाबाद में 30, कैमूर में 15, कटिहार में 44, खगड़िया में 25, किशनगंज में 93, लखीसराय में 13, मधेपुरा में 32, मधुबनी में 116, मुंगेर में 44, मुजफ्फरपुर में 76, नालंदा में 25, नवादा में 15, पटना में 225, पूर्णिया में 91, रोहतास में 58, सहरसा में 71, समस्तीपुर में 40, सारण में 47, शेखपुरा में 9, शिवहर में 16, सीतामढ़ी में 37, सिवान में 35, सुपौल में 35, वैशाली में 18, पूर्वी चंपारण में 54। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,23,404 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं 722 लोगों की जान जा चुकी है। जदयू लाइव वेब पोर्टल हुआ लॉन्च। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जदयू ने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म बीते दिन लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत जदयू ने डिजिटल प्लेटफॉर्म jadulive.com आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है, जिसके बाद देश के किसी राजनीतिक दल का यह पहली तरह का पहला डिजिटल पोर्टल होने वाला है, जिसके जरिए बड़ी वर्चुअल रैलियों से लेकर छोटी सार्वजनिक और प्राइवेट वीडियो मीटिंग का आयोजन करवाया जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सितंबर को पहली बार वर्चुअल रैली से इसका संबोधन करने वाले हैं। बिहार में 215 करोड़ रुपए से दुरुस्त किया जाएगा राजधानी पटना समेत 8 जिलों की सड़कों को। पटना सहित राज्य के 8 जिलों की 12 सड़कें दुरुस्त होने वाली हैं, जिसके लिए 215.19 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पथ निर्माण विभाग की निविदा समिति ने इस पैसे की मंजूरी दे दी है। स्वीकृति योजना के तहत लगभग 138 किलोमीटर सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें पटना के अलावा बक्सर, खगड़िया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, जहानाबाद शामिल है। बीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर और एचओडी के पदों पर निकाली गई रिक्तियां। बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार सरकार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज और अलग अलग विभाग में लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एचओडी के पदों पर रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसके लिए कुल मिलाकर 724 पदों पर भर्तियां होनी है, जिसके बाद इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्टर कर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग तारीख जारी की गई है, जिसकी पूरी जानकारी आपको आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगी। बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने बीते दिन पहुंची 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम। बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बीते दिन केंद्रीय सरकार की तरफ से 6 सदस्यीय टीम बिहार भेज दी गई थी, जो कि 4 सितंबर तक बिहार में रहकर प्रभावित जिलों का दौरा करने वाली है। यह टीम बिहार में हुए नुकसान का जायजा लेगी। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीयूष गोयल के नेतृत्व में बिहार पहुंच गई इस 6 सदस्यीय टीम को आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक भी करने वाली है। जानकारों की माने तो टीम कई मंत्रालय के अधिकारी शामिल है, जिसमें कृषि मंत्रालय के वीरेंद्र सिन्हा का नाम भी शामिल है, जो पटना में ही अनुसंधान केंद्र में पदस्थापित है। आपको बता दें, टीम की इच्छा है के अनुसार उन्हें जिले का दौरा करवाया जाएगा। लालू से मिलने बिना अनुमति रांची पहुंचना विधायक को पड़ा महंगा। चुनावी रणनीति बनाने के लिए लालू यादव ने रांची में ही दरबार लगा रखी है। ऐसे में वहां के प्रशासन पर भी लगातार बिहार सरकार की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं। गया के बाराचट्टी में राजद विधायक क्षमता देवी बीते दिन अचानक से बिना बताए उनसे मिलने पहुंच गई थी, जिसके बाद झारखंड प्रशासन की तरफ से उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। रांची के ADM लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश सिन्हा ने बताया है कि बिना अनुमति के वहां रांची पहुंची थी, इसीलिए उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि राजद के रांची में चल रहे जनता दरबार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। 20 जोड़ी स्पेशल लोकल ट्रेन के बाद 4 सितंबर से 8 इंटरसिटी ट्रेन चलाने का हुआ फैसला। 20 जोड़ी स्पेशल लोकल ट्रेन चलाने के बाद 4 सितंबर से 8 इंटरसिटी ट्रेन चलाने का फैसला ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार JEE मेंस और नीट के परीक्षार्थियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सेंटर पर पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही थी, जिसके बाद राज्य सरकार और रेलवे की पहल पर कैंडिडेट की समस्याओं का निदान किया गया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने एक तरफ बीते दिन से 20 जोड़ी स्पेशल लोकल ट्रेन की शुरुआत की है, तो वहीं दूसरी तरफ 4 सितंबर से 8 इंटरसिटी एक्सप्रेसवे चलाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। टिकट बंटवारे में तवज्जो नहीं मिलने पर आलोसपा नेता पहुंचे राजद दफ्तर। टिकट बंटवारे को लेकर इस बार फिर से महागठबंधन में रस्साकसी का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसके तहत महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी टिकट बंटवारे के मुद्दे को लेकर राजद कार्यालय में देखी गई थी।
रालोसपा के कोषाध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में गई दो सदस्यीय टीम राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात करने के बाद बीते दिन पहुंची थी। चर्चा है कि राजनीतिक गलियारे में रालोसपा को टिकट बंटवारे में कोई भाव नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद रालोसपा नेता राजद कार्यालय जगदानंद सिंह से मिलने पहुंचे थे। हालांकि बैठक में दोनों पार्टियों के बीच क्या बातचीत हुई, इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे आलोक नाथ की। आलोक नाथ एक भारतीय फिल्म अभिनेता और टीवी कलाकार हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में नजर आते हैं। उन्हें हिंदी सिनेमा में बाबूजी के नाम से भी पहचाना जाता है। बाबूजी के नाम से मशहूर आलोक नाथ का जन्म 10 जुलाई 1956 को राजधानी पटना में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1982 में फिल्म गांधी से की थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में हर तरह की भूमिका अदा की है। उन्हें सूरज बढ़ जाती और राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म में अच्छे पिता का किरदार निभाने से हिंदी सिनेमा में बेहद प्रसिद्धि मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हम साथ साथ है, कच्ची कली, पेट प्यार और पाप था वो मंजिल तो नहीं, कयामत से कयामत तक समेत कई फिल्मों में काम किया है। पलटी मारने के बाद जीतन राम मांझी के बदले सुर। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बीते दिन एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि पहले वो 3 सितंबर को एनडीए में शामिल होने वाले थे, लेकिन अचानक उन्होंने निर्णय बदला और आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बीते दिन महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद उनके सुर पूरी तरीके से बदले नजर आ रहे हैं। महागठबंधन छोड़ते उन्होंने राजद को निशाने पर लिया है और कहा है कि राजद में भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा है। महागठबंधन में रहकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए पहले राजद को कहा और अब राजद ने हमारी मांग नहीं मानी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना नहीं पाए। आगामी विधानसभा चुनाव में नए नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी भाजपा। जदयू के बाद अब भाजपा भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, जिसके बाद बीते दिन आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा आत्मनिर्भर बिहार का नारा लेकर मैदान में उतरी है। पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार को लेकर एक हाईटेक रथ की व्यवस्था कर दी है। रथ पर पार्टी का प्रमुख नारा लिखा गया है, जिसमें भाजपा है तैयार आत्मनिर्भर बिहार लिखा गया है। रथ पर लगे पोस्टर के ऊपरी हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर है। पोस्टर के निचले हिस्से में बिहार भाजपा के नेताओं को जगह दी गई है। बिहार के कई जिलों में मॉनसून के फिर से आने की बढ़ी संभावना। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के लगभग 18 जिलों में शनिवार से एक बार फिर से मॉनसून के आने की संभावना देखी जा रही है, जिसके बाद मौसम विभाग ने सभी जिलों में 8 सितंबर तक बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में चलने वाले साइक्लोन सर्कल हिमालय की तराई क्षेत्र से होते हुए पटना, गया, नालंदा, झारखंड की तरफ से उठ रहा है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा के दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल से झारखंड की तरफ झुक रहा है। प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की मुहिम हुई शुरू। प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया करवाने के लिए पटना के डीएम कुमार रवि ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत कुमार रवि की अध्यक्षता में औद्योगिकी के नव प्रवर्तन प्रोत्साहन योजना के तहत जिला चयन समिति की बैठक के दौरान हिंदी भवन स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक का आयोजन करवाया गया था। बैठक में स्थानीय संसाधन एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पेवर ब्लॉक, रेडीमेड गार्मेंट्स, मशरूम प्लांट, एग्रो बिजनेस और हैंडलूम आधारित रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बिना उनकी सहमति के एसएसआर पर फिल्म नहीं बनाने की कही बात। सुशांत सिंह राजपूत मामले को संभाल रहे वकील विकास सिंह ने इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि अब सुशांत पर कोई भी फिल्म तब तक नहीं बनाई जा सकती जब तक उनके पिता और परिवार इस पर सहमति व्यक्त नहीं करते। उन्होंने आगे कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता और बहनों ने फैसला किया है कि बिना उनकी सहमति के सुशांत को ना तो कोई फिल्म या फिर ना कोई सीरियल उनके नाम पर बनाई जाएगी और ना ही कोई किताब लिखी जाएगी। अगर किसी को सुशांत सिंह राजपूत पर फिल्म बनानी है तो पहले उनके पिता और परिवार को स्क्रिप्ट दिखानी होगी। बिहार पुलिस महकमे में फिर हुआ बड़ा फेरबदल। बिहार पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखा गया है। पोस्टिंग का इंतजार कर रहे कई पुलिसकर्मी अफसरों को जिले के विभिन्न थानों में नई पोस्टिंग दे दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए गृह जिले में तैनात 15 दरोगा और 4 जमादार को एसपी ने पुलिस लाइन भेज दिया है। पुलिस अफसरों के फेरबदल की पूरी सूची जारी कर दी गई है। इसके साथ ही 22 दरोगा और 26 एएसआई की भी नई पोस्टिंग की गई है। आईपीएस हरकिशोर राय ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस टीम की नई तैनाती की गई है, ताकि चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था को बनाकर रखा जा सके। अनलॉक मामले में बिहार पुलिस ने 5 करोड़ से ज्यादा की वसूली। बिहार में कोविड-19 संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अनलॉक 3 को सफल बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला अध्यक्षों को चेकिंग मुहिम चलाने का निर्देश जारी किया था, जिसके बाद 1 अगस्त से अब तक कुल मिलाकर 126 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। इसके साथ ही मिली जानकारी के अनुसार नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों से कुल मिलाकर 5,60,31,320 फाइन के रूप में वसूला जा चुका है। वहीं मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से ₹50 फाइन के रूप में लिया जा रहा है, जिसमें सिर्फ बुधवार की बात करें तो उस दिन 1,91,100 रुपए की वसूली की गई है।
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने किया बड़ा दावा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बीते दिन पश्चिम चंपारण का दौरा करने के दौरान बड़ा दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने मेडिकल कॉलेज में बने कोविड 19 आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया और बताया है कि बिहार के जन सहयोग से बिहार में जो स्थिति है उसमें जान गंवाने वालों की दर में कमी आई है। रिकवरी दर 1 से 2 दिन में हम देश के नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएंगे। संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार सभी विकल्पों पर काम कर रही है। जनता का सहयोग पूरा मिल रहा है। 14 सितंबर से बिहार में होगा चक्का जाम। कोविड 19 के माहौल के बीच बिहार में सड़कों पर चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया है। यह ऐलान विभाग ट्रक ओनर एसोसिएशन की तरफ से किया गया है। एसोसिएशन ने साफ तौर पर कहा है कि सूबे बिहार में ट्रकों का चक्का जाम अनिश्चितकालीन समय में होने वाला है, जिसके बाद आने वाले 14 सितंबर 2020 से पूरे बिहार में चक्का जाम की तैयारी की जा रही है। संघ की तरफ से यह भी कहा गया है कि 20 सूत्री मांगों को लेकर ट्रक ओनर अनिश्चितकालीन सड़कों पर उतरने वाले हैं। वहीं संघ ने इस पूरे मामले की जानकारी बिहार सरकार को दे दी है। पटना में बगैर मास्क के घूमने वालों को देना होगा जुर्माना। पटना में बगैर मास्क के घूमने वालों की अब खैर नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार सार्वजनिक स्थान हो या फिर गाड़ी, राजधानी के अंदर अब कहीं भी बगैर मास्क के घूमते दिखाई दिए तो आपके खिलाफ सख्ती से पेश आया जा सकता है। इसके लिए खासतौर पर 10 दिनों के लिए एक स्पेशल मुहिम की शुरुआत की जा रही है। स्पेशल ड्राइव के लिए पटना के डिविजनल कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल की तरफ से खास निर्देश भी जारी कर दिया गया है। जारी किए गए निर्देश के अनुसार यह मुहिम 10 दिनों तक चलाई जाएगी, जिसमें ऑटो, बस स्टैंड और बाजार में मौजूदा लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। भाड़े के एलईडी और स्मार्ट टीवी से वर्चुअल रैली करेंगे सियासी दल। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशों को देखते हुए राजनीतिक दलों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने के लिए एलईडी और स्मार्ट टीवी के जरिए वर्चुअल रैली करने का निर्देश जारी किया है, जिसके बाद बिहार में एलईडी और स्मार्ट टीवी की डिमांड बढ़ गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां वर्चुअल रैलियों को सेटअप करने की तैयारी में लगी हुई है, साथ ही एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली एजेंसियों ने बिहार में गांव से ही एलईडी टीवी किराए पर लेकर लगाने का प्रस्ताव दिया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने चुनाव के पहले ही लालू ब्रांड का महत्व शून्य होने का किया दावा। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने चुनाव से पहले ही राजद को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने अभी तक बिहार विधानसभा का चुनाव कराने के बारे में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है, लेकिन चुनाव टालने की दलील देने वाली पार्टी और महागठबंधन में अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लालू प्रसाद यादव की चुनावी ब्रांड वैल्यू शून्य हो चुकी है, इसलिए 5 MLC और 7 विधायक राजनीति उनकी छोड़ चुके हैं। संजय सिंह ने राजद पार्टी का कुनबा ढहने की कही बात। आगामी विधानसभा चुनाव आने में बस कुछ ही समय बचे हैं। वहीं नेताओं ने अपनी सुविधा के अनुसार पार्टी बदलने का सिलसिला भी जारी कर दिया है। वहीं दल बदल की राजनीति को देखते हुए जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने अपने बयान जारी कर दिया है, साथ ही राजद को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राजद में किसी को सम्मान नहीं मिलता है, जिसके चलते लोग वहां से निकल रहे हैं। जीतन राम मांझी भी NDA में शामिल हो रहे हैं, वहीं देर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। राजद का कुनबा ढह रहा है, आने वाले समय में ताश के पत्ते की तरह राजद बिखरा नजर आएगा। पुतुल सिंह बेटी के साथ राजद में जल्द होंगी शामिल। बिहार में चुनाव का आयोजन समय पर करवाया जाना है, वहीं चुनाव की घोषणा भी अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, जिसके बाद इसी बात को ध्यान में रखते हुए पाला बदलने की राजनीति लगातार जारी है। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल में रामा सिंह और पुतुल सिंह के शामिल होने की चर्चा जोर शोर से सुनने में आ रही है। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी के बाद हालांकि रामा सिंह की पार्टी में एंट्री फिलहाल रोक दी गई है, वहीं पुतुल सिंह अपनी बेटी श्रेयसी के साथ बहुत जल्द राजद में शामिल होने वाली है, जिसकी पुष्टि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ETV भारत से बातचीत के दौरान कही है। पबजी सहित भारत में 118 ऐप्स पर फिर लगाया बैन। भारत सरकार ने पबजी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही इस पूरे सूची में 118 चीनी ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करके इस बात की जानकारी दे दी गई है। 118 ऐप्स में पबजी सहित कई पॉपुलर ऐप के नाम भी शामिल है। पबजी पर इससे पहले भी डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, हालांकि हाल ही में कंपनी ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के इस फैसले के बाद गूगल प्ले स्टोर के iOS में इसे पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ सुरेश रैना के दोबारा से जुड़ने के मिले संकेत। सुरेश रैना के IPL में अचानक से हटने पर सभी प्रशंसकों ने हैरान हो गए थे, जिसके बाद अब सुरेश रैना ने इसको लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। सुरेश रैना ने कहा है कि वो अपने परिवार के लिए वापस लौटे हैं और उन्हें सितंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के लिए दुबई में फिर से चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़ सकते हैं। हालांकि सुरेश रैना ने उन खबरों को भी खारिज किया है, जिसमें उनके और फ्रेंचाइजी के बीच मतभेद होने का दावा किया जा रहा था। फ्रेंचाइजी दल में 13 मामले कोविड-19 पॉजिटिव आए थे, जिसमें 2 खिलाड़ी भी शामिल है, और रैना के हटने का कारण भी इसे ही बताया जा रहा था, लेकिन रैना ने साफ तौर पर कहा है कि वो निजी कारण था और मुझे अपने परिवार के लिए वापस आना पड़ा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा उनके नाम है श्रीकांत गोयल, अभिषेक राज, पारसमनी, मुन्ना कुमार, मोहम्मद रजा, असलम राज,
पवन कुमार, अभिषेक कुमार, पिंटू कुमार, इंद्रजीत कुमार, अमित कुमार, बबीता यादव, सुधीर प्रजापति, अजीत टेक्निकल, अनिल भारती, अंकुर कुशवाहा, रुपेश चौधरी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। पबजी सहित भारत में 118 ऐप्स पर लगाए गए बैन से आप कितने संतुष्ट हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।